ऐसा लिखा और क्यों कर सके को कहती हूँ मत को आप अब श्री राजी महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंककार आखिर जमा इमाम साहब आप महामति स्वरूप अब अपने सुंदर साथ को कहते हैं कि सुंदर साथ जी ये जो मायने मुसाफ के मेहंदी बिना ना हो अब इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है क्योंकि धनी है ना सब काम पहले रचना कर रखी हुई है जानते थे कि सुंदर साथ ने कृष्ण नाम में फंसना है क्योंकि जब से ब्रज की लीला करके गए हैं जितने ग्रंथ पीछे रचना हुए उन्होंने कृष्ण को ही पार ब्रह्म उत्तम पुरुष कह दिया ठीक है अब तक जब तक अब प्राणनाथ जी महाराज जब तक खुद अल्लाह ताला अब जब खुद अक्षरातीत नहीं आए तब तक और हैं तो कोई सुंदर साथ इतने दिमाग सबको खुदा ने दिए हैं कल युग में ही तो पार ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष अल्लाह ताला का आना लिखा तो फिर कृष्ण कलयुग में क्यों नहीं आया ठीक है कि आज दिन तक हम उल्ट रास्तों पर चलते रहे जब तक वाणी मथन नहीं हुई वाणी जाहिर नहीं हुई हम भी मानते थे ये तो नहीं कि हम नहीं मानते थे समाज के साथ चलते और जब ये अब खुलासा हो गया कि मगज ये जो मायने मुसाफ के कौन करेगा मेहंदी बिना ना होए लाओ कृष्ण को कहो मैंने करे इसके कृष्ण बैठा योग माया में उनको ले आओ और ना कहो इसके मायने कर दिमाग से सोचो तब पता चलेगा ये मायने मुसाफ के मेहंदी बिना ना होए ये बात कहती हूं उम्मत को और सारा संसार सुनेगा कहती हूं सुन रहे ना सारा संसार इसमें भी संसार बैठा है जीव भी है ईश्वरी भी है ब्रह्म भी लेकिन क्या किसको रही हूं जैसे पंजाबी में कहावत है ना नई नई बहू आती है तो बहू को नहीं डांटा जाता और लड़की जो होती है घर में वो जबरदस्ती बिचारी को पीस दिया जाता है किसको डांट पड़ती है लड़की को क्यों लड़की को मां डांटती है बहू को समझाने के इस वास्ते आवाज तो सबको लगाएंगे कह किसको रही उम्मत को कहते हैं भाई संसार में आए हैं सुनेगा तो सारा संसार लेकिन संसार वालों के टुकड़े 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 कर देना वो अपने हनुमान को नहीं छोड़ेंगे वो अपनी गंगा पूजा नहीं छोड़ेंगे मुसलमान कभी शरीयत नहीं छोड़ सकते हाँ और जितने जितने दूसरे धर्मों की राह पे चलने वाले हैं वो कभी अपना धर्म यहां नहीं छोड़ेंगे चाहे अरबों साल श्री राजी महाराज इस वाणी का यहां प्रचार खुद करते रहे नहीं कोई मानेगा क्योंकि यहां बुद्धि कौन सी है कारण क्या है कि यहां बुद्धि कौन सी है स्वप्न की इस वास्ते जिनके स्वप्न की बुद्धि है एक बार नहीं 100 बार जन्म ले लो प्रणामी बन जाना उनके संशय कभी मिट सकते हैं और दावा वो भी लेके बैठे हैं कि अर्श हमारा भी दिल है अर्श दिल को गाजर मूली समय रखा हम सुंदर साथ ने पहले से ही अर्श नहीं बन जाता आओ
उन इंद्रावती जी को ले लो, क्या जिस दिन जन्मे थे मैं राज ठाकुर के तन में प्रवेश किया था, इंद्रावती तो उसी तन में प्रवेश की थी, क्या उसी दिन राज महाराज अंदर आके बैठ गए थे? अर्श दिल का ठोंग रच रखा जी, जब हमारा भी दिल अर्श आया, अरे इस कहने से पहले, कुफर करने से पहले तोल तो लो कि हम इस काबल हैं कि कह दावा लें कि हमारा दिल अर्श है। सोचो विचारो, ठीक है राज्य में राय ने डिक्लेयर किया है कि ए मोहम्मद मैं दुनिया आऊंगा, ना मैं मस्जिद में बैठूंगा ना किसी मंदिर में बैठूंगा, कलूबे मोमिन अर्श मन हस्त। तो जिस मोमिन का अर्श होगा दिल, उसी में तो आके बैठेंगे। अर्श बनाना पड़ता है, तब उस दिल में हक आता है। क्या किया था, चलो भीतर को लो शुरू से, क्या किया था? अर्श दिल बनाने के लिए संसार के औहदे पद पीठ दे दी थी। है कोई, आओ चर्चा सुन ली, राज्य महाराज का हाँ ठिकाना हमारा दिल है, अवतार तुम ले लिया, हम भी अर्श के मोमिन बन गए, आओ। अरे एक महीने के लिए तो दुनिया की नीचता तुम छोड़ नहीं सकते, जिन्होंने छोड़ा उम्र भर के लिए चीफ मिनिस्टर थे, और तुम तो अभी ढाई ढाई आने के कलर को दफ्तरों के जी छुट्टी नहीं मिली। कोई घर में मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, विदाउट पे 6 महीने की छुट्टी ले लो, इतना इतना ढोंग ना रचो, अपने को गुनाहगार मत बनाओ, कदम रखो आदि के कदमों पर, दिल अर्श अपने आप बनेगा, भागा भागा आएगा, वो दिल में बैठने के लिए जाएगा कहां? हम बनाना चाहते हैं, इतना कुछ कर लो कि वो खुद भाग आए, जैसे इंद्रावती ने करके दिखाया। आओ, क्यों नहीं लेते हो मेहर उनकी, क्यों नहीं हाथी के कदमों पर कदम रखते हो? किसका दिल करेंगे अर्श? राजीव राय अपनी आत्माओं के बिना तो किसी दिल में आके नहीं बैठेंगे, पर हार आत्म के अंदर नहीं है, ये मत सोच लेना, भूल में न रह जाना कि ले लिया तारतम, और महाराजों के पास तो फिर 2 रुपए और नारियल रखना पड़ता, ये यहां तो वो भी नहीं होता, इसलिए यहाँ सस्ता मिलता है, यही से ले लो, इतना भी खर्च ना हो, बस फिर हम परम धाम के हकदार हो गए, पार्टनरशिप होगी हमारी परम धाम, क्योंकि तारतम लेने के बाद फिर क्या हो जाता है, बस अब तो परम धाम। और खामद नूर जमाल कहते हैं बेशक स्वामी जी, कहते आओ तुम्हें भी हिस्सा दे दूंगा, पर पहले देखो तुम अपने कॉल फेल, अंदर खुद देखो कि मैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर को तो तुम ही पढ़ सकते हो ना, किसी के अंदर को कोई नहीं पढ़ सकता, अपने दिल को पढ़ो कि मैं कौन हूं। तभी तो कहा कहनी सुननी गई रात में, अब रहनी ही हमारी कहनी होगी, कहनी करनी नहीं पड़ेगी, कहनी मुंह से कहनी नहीं पड़ेगी, हमारी रहनी ही हमारी करनी कहनी होगी, रहनी में आओ खुद कहनी हो जाएगी, जो मुंह से कहते थे और करते नहीं थे वो वक्त गया, अब पहले रहनी, वो जो रहनी है ना वही हमारी कहनी हो जाएगी दुनिया के सामने, ये करना है। स्वामी जी कह रहे हो सुंदर साज, ये अर्श की वो बातें हैं जो दुनिया वाले क्या समझेंगे, राम वाले, कृष्ण वाले, हनुमान वाले, गीता वाले, भागवत नहीं, बाबा इसको समझ ही नहीं सकते। अभी किरंतन क्या देख रहे थे, जो अंदर निर्मल होते हैं वो बाहर देवे ना दिखाई, और जो अंदर क्या होता है बाहर से दिखाई देंगे, हाँ दाढ़ी वाड़ी नए गुलाबी सूट फूट, बस हो गए अनंत श्री विभूषण, वाह। तो क्या स्वामी जी के पास पीले कपड़े नहीं थे, सामानों को बना देते लो भाई परम धाम के हकदार, ढोंग नहीं है बाबा, यहाँ ढोंग नहीं, यहाँ कुछ करके दिल निर्मल करके आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया के धर्मों में और स्वामी जी की इस वाणी निजानंद संप्रदाय में कोटो मीलों का अंतर, दूसरे धर्म पर पंच के बिना चल नहीं सकते। स्वामी जी कहते हैं वाणी के अंतर में, मैंने आके क्या देखा, पर पंचे सहु धर्म चाले, कि जितने धर्म हैं उन्होंने आसरा ही ढोंग पर पंच छूट का ले रखा, दिखावे और अडंबरों का दे रखा है, और सत के रास्ते में अडंबर घुसे कैसे?
सत में झूठ की मेख भी नहीं लग सकती भाई, ये रास्ता जुदा है वाणी मेरे प्यू की, न्यारी रास्ता है। दुनिया को तो छल कपट झूठ तूफान से तुम कितना मकार बना करके जीत लो, यहां इतनी भी मकारी नहीं चल सकती और ना तुम्हारी चतुराई चलनी है। छोड़ो रे मान गुमान, ज्ञान को खाड़ भरी है भाई। एक डारी जो दूजी भी डारो और जलाए दो, बोलो बोलो क्या चतुराई, और वो हमारे से छोड़ी नहीं जाती। ओ कहते हैं जला के राख करो, हम हर एक बात में अपनी चतुराई ठोकेंगे, वाणी सुनने के बाद भी चतुराई ठोकेंगे। भाई जब दिल अर्श है तो फिर किसका, लिखने से तुम्हारा दिल अर्श नहीं होगा, ये चतुराई है, इसको छोड़ो। अब स्वामी जी कहते हैं कि वो परम धाम की बातें सीधी साधी पहचान है कि जो मुसाफ के मैंने खोल दे रहे वही अल्लाह ताला है। आओ आओ, सीधी बात है, ए मायने मुसाफ के ए मेहंदी बिना ना हो, सीधी साधी बात है। कोई आ जाए दुनिया का कुरान को रख के मैंने कर दे, मैं उसको प्राणनाथ कहूंगा। और भगवे कपड़े पहनने से हम सारे खुदा के धर्म के मालिक बन बैठे, गए वक्त अब नहीं चलेगा झूठ का सिक्का। चली जब सत की हवा, उठा फिर झूठ का पर्दा, अब नहीं चले। बहुत चला ली, 400 साल हो गए चल गए सिक्के की मोहर, चमड़े के सिक्के चलते रहे उनके, अब नहीं चले। अब प्राणा जी का ही सिक्का चलेगा, अब सत्य ही दुनिया में खड़ा रहेगा। असत्य का नाश होने का समय शुरू हो गया मेरे साथियों, फिर ना कहना ये नहीं कहा था कि आखिरी खेल की आखिरी रील फिट कर दी गई है, दी एंड। अब छोड़ दो चतुराइयों को, छोड़ दो मक्कारियों को, अब निर्मल होके खड़े हो जाओगे तो धनी के चरण मिल जाएंगे। अब वो अगले वाली धोखाबाजी, नारियल तोड़ गद्दी की पूज, इधर से चोड़ उधर से जोड़, अब नहीं चलेगा। अब गया वक्त हो, और चल सकता है तो चला के देख लो, अपने आप छांटी में आ जाएगी। पूज्य महाराज श्री जी जिस साल शरीर छोड़ते हैं, 15,000 पत्तल मैंने अपने हाथ से बांटे, इतना बड़ा भारी मेला हुआ। उस समय मुझे वाणी की कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं होती थी, बस यही समझता था कि जो कुछ सेवा है वो परम धाम भी नहीं, और जिस तरह से उन्होंने करवा ली वो मेरे साथी पुराने जानते हैं। तो मैंने पूछा महाराज जी, बाद में जब शांत हो गया सब, भंडारा खत्म हो गया, कि महाराज जी ये आप तो कहते थे जब 12,000 की जागनी हो जाएगी तो परम धाम चले चलेंगे, तो 15,000 तो पत्तल मैंने अपने हाथ से बांट दी। बुद्धि जैसी थी भाई, उस वक्त नहीं ज्ञान था, सुधी नहीं थी, वाणी खोल के देखी नहीं थी, जो बात तो सुन लेते थे जैसे आज सुनते हैं, यही प्रश्न मैंने रखा। तो महाराज जी कहते हैं जो पत्तल खा जाएगा क्या वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी। महाराज जी अब आपके चरणों में जो आएंगे वो भी कोई और गटर वटर आएंगे, कहते हैं साला ही कचड़ा इकट्ठा कर रखा है। महाराज जी वो कैसे, कहते भाई अब छांटी करने बैठूंगा, समझ ही ना आए कि क्या भाषा बोल रहे हैं, किसकी छांटी करेंगे समझ, मतलब उस भेद थे हर्ष के वाणी के, समझ आती नहीं थी उस समय। महाराज जी कैसे छांटी होगी, कहने के भाई जो कोई हीरे मोती ढूंढने वाला होता है समुद्र में मर जिया होके गोते लगाता है, तो जब वो समुद्र में टुबकी लगाता है तो वहां तो नहीं बैठने देखने बैठता भी ये घुग्गू है कि रोड़ है कि ये सिप्पी है, उस वक्त तो चाहे टुबकी लगाई जो कुछ हाथ में आके बाहर धरता जाता है, और बाहर धर धर के फिर आखिर में बैठता भी अब इसको मैं छांटू, तो जो रोड़े समुद्र में नहीं बैठे, गुगू पत्थर कंकर उनको तो करेंगे भाई एक तरफ, और सिपियों सिपियों को कर लूंगा एक तरफ, फिर सिपियों की भी छांटी करूंगा, तोड़ूंगा जो सिप्पी खाली होगी एक तरफ फेंकते जाएंगे, और जो मोती मोती होंगे उनको गले की माला, अब वो सुधार रही है। छांटी हो गई, शांति हो गई, एक बार रोड़े गुग्गू पड़ोड़े तोड़े सारे एक तरफ लग गए कृष्ण के पीछे, अब सिपियां सिपियां निकाली, अब सिपियों में जो खाली अर्श दिल लेके बैठे उनको भी तोड़ के बाहर फेंक देंगे, चलो वो अर्श की रूहों को लेने आए हैं,
रोड़ों कंकरों को बटोरने हैं, और हम क्या हैं अब किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब तुम ये ना कहो कि हम अनजान हैं, अब यूं कहो कि हम कोरे मक्का हैं। अब मक्कारी में नहीं चलनी, चतुराई नहीं चलेगी प्राणा जी के दरबार में। अब निखर के सामने रोहे खुद आ जाएंगे। स्वामी जी कहते हो सुंदर साथ, तुम्हारे वास्ते ये भेद अर्श के लाके खोल रहा हूं, तुम्हारे वास्ते कुरान की सारी हकीकत को खोल रहा हूं, क्योंकि कुरान में यही लिखा था कि अल्लाह ताला की निशानियां यही हैं, उस पार ब्रह्म क्षातीत की पहचान यही है, उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान यही है कि जो शास्त्रों के छुपे कुछ भेदों को निकाले और कुरान के शब्द मुक्तात जो हरूफ है वो मेहंदी बिना कोई खोल नहीं सकेगा। ऐ सुंदर शाह जी, तुम्हें ये सारी बात अपने पहचान की, ये सारा स्वरूप सर क्या है, धनी की पहचान। रास में खोलो तो, प्रकाश में खोलो तो, खटरुति में खोलो तो, सनंद में खोलो तो, कलस में खोलो तो, पर जहां भी खोलो उन्हीं की पहचान। क्यों संयम फुरमान ले आए वास्ते तुम और धाम से आए, इसमें देखो हम बीत तक तुम्हारी और हकीकत है, बीतक तुम्हारी है। स्वामी जी कहते हैं पर मेरी हकीकत इसमें छुपी हुई है। वो फरमान जो है अब उसके मायने कौन खोलेंगे, मुल्ला काजी खोलेंगे? ना 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 ना, इनको वारस बना रखा है कि इस कुंवारी लड़की को सुरक्षित रखना, पर उन बेचारों ने जो सुरक्षिता कर दी है, कायर प्रणामी वाणी को सुरक्षित नहीं कर सके। उन्होंने खंडित करवा दिए, नाम बदलवा दिए, पिकरण बदलवा दिए, और आज किसी दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि कुरान के हर्फ को एक भी इधर उधर से मर जाए, सारा मुसलमान कत्ल होके मर जाएगा। और हमारे कृष्ण प्रणामी वाले वाणी को मिटाने के लिए तैयार है, इसका नाम बदल दो, मुसलमानों में हर्फ बदल दो, लो दशक पहले हम कर देते हैं। वाह, हशर उनका अब क्या होगा, दशक करने वालों का चमड़ी उधरती जब देखोगे, सारी दुनिया देखेगी। सुन चुके हो भीतर, ओ जितने भी काजी थे कहां के, औरंगजेब के, हो चुकी है भीतर, क्या होगा सातवें दिन में, सबसे पहली लानत खुदा की उन पर होगी, फरिश्तों की लानत उन पे होगी, पैगंबरों की लानत उन पे होगी जिन्होंने प्राणा जी की वाणी को ढांपा है, उनके नाम को बदल रहे हैं, उनके झूठ पर जो है पर्दे डाल रहे हैं। अब सूर्य कभी तो निकलना है, सदा झूठ तो नहीं चलता। अब एक एक शब्द को विचार करके देखो जरा, कहते हैं सुंदर साहब आए हैं इस दुनिया में, मेरी आवाज तो सारी दुनिया सुनेगी, पर मैं दुनिया को कहने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूं, कहती हूं उम्मत को, और सुनसी सब संसार सारा सुनेगा, पर मकसूद तिनका होए सी, मकसूद तिनको होए सी, मकसूद मैंने प्राप्त किनको होएगा, जो करसी ए विचार, जीव विचारा को, दुनिया जीव विचारे क्या जो है वो करेंगे, सुन ही नहीं सकते, मेहंदी का नाम ही नहीं सुन सकते। और जो उम्मत है वो सुनेगी कि मेहंदी ही मेरा प्राणनाथ है, और जागृत बुद्ध को लेकर के हमें समझा रहे हैं, और विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार भी वही है, और मेहंदी भी वही है, और सुप्रीम ट्रुथगार भी वही है। ये किसको मकसूद होएगा, जो परम धाम की आत्म होगी, जो इस पर विचार करके देखेगी कि वाणी हमें कहां ले जा रही है, किन बंधनों में से छूट रही है। आज दिन तक मेरे साथियों कितने पैगंबर आए, राम आए, कृष्ण आए, हनुमान आए, 24 अवतार आए, क्या किसी ने सारे मानव को एक करके एक परमात्मा की राह दिखाई? मुसलमानों के अंदर इतने पैगंबर, औलिया, अंबिया, आलम, फाजल आज भी बैठे हैं दावे लेकर के कुरान के वारस बनने, क्या किसी ने उस कुरान के अंदर टुबकी लगाई? कहते तो जरूर है कि वो परमात्मा जो है वो रब्बुल आलमीन है,
लेकिन वो बना के क्या बैठे हुए हैं, रब्बल मुसलमीन। कुफर बोलना मुंह से, अरे जब मुंह से कहते हो रब्बल आलमीन, तो क्या आलमीन के अंदर हिंदू नहीं रहते, वो काफर कैसे हो गए और तुम मोमिन कैसे हो? ये कौन भेद खोलेगा, मुसलमान खोलेंगे ना? अकल नासूत की है, और मोमिनों तुम्हें अकल कौन सी दी है, जागृत बुद्ध और परम धाम की निज बुद्ध जिससे वायदर खुलनी है वो लाके हमने स्वामी जी कहते हैं तुमको दी है, अब उससे विचारो तो तुम्हें मकसूद, इसका रस, इसके भेद, इसकी हकीकत जो है सुनने वालों जीवों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो कर्म कांड से बाहर निकल ही नहीं सकते, अपने बनाए हुए गुरुओं की पद्धतियों को वो छोड़ ही नहीं सकते। बताओ मुझे, परमात्मा ने आके कौन सी पद्धति बनाई जिसने सबको एक किया कि टुकड़े किए? पढ़ो निजानंद संप्रदाय को, निजानंद संप्रदाय की पद्धति ही एक परब्रह्म के बिना किसी को नहीं मानती, और जिसके प्रमाण है, और बाकी जितने आज के उठाले चल पड़े धर्म उनकी पद्धति ही कोई नहीं। अरे भाई आवाहन है ना, क्यों नहीं उन तक पहुंचा देते हो कि कृष्ण प्रणामी जो है वो आके अपनी पद्धति मंच पर बताए कि उनकी पद्धति क्या है? कोई पद्धति नहीं, चलाया किसने है, किसी ने भी नहीं, कहीं की ईंट कहीं करोड़ा और भानुपति ने कुनबा जोड़ा, ये है कृष्ण प्रणामी, कोई पद्धति नहीं। पूछो उनसे जाके जी पद्धति बताओ, निजानंद वाली पद्धति क्यों? निजानंद वाले अक्षातीत पार ब्रह्म को अपना इष्ट मानते हैं और उनकी पद्धति में कृष्ण इष्ट है, तो कृष्ण तो योग माया में, तो भाई क्या पूर्ण ब्रह्म दो हो गए, एक पूर्ण ब्रह्म योग माया में रहता है और एक पूर्ण ब्रह्म परम धाम में रहता है। आंखें खुलती नहीं क्या अभी, मगर में धसता नहीं है, अभी धसना ही नहीं है, किन के अंदर धसेगा जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। बाकी सुनेंगे पल्ला झाड़ेंगे, उनको प्राप्त ये रस होना नहीं। ये कौन सा रस है? ये रस है अर्शे, ये रस है मेरे प्राणनाथ की जुबान मुबारक का, ये रस है मेरी श्यामा महारानी की रसना है और रस पिलाती है अपने रब का, ये वो रस है। सोलेसी विचार, सोलेसी ऊपर के पिकरम के, पिकरम के साथ लिंक बने हुए, ये ना सोचो एक पिकरम है तो उसका हर अगले के साथ जुड़ा हुआ है। क्या विचार लेसी, अब ये हो गया ना कि जो जिसको मकसूद हो सी, सो लेसी है विचार, क्या मत विचार सोच लेगी वो विचार करेगी कि मायने मुसाफ़ के, वो विचारेगी मायने मुसाफ़ के, सो मेहंदी बिना ना हुए। ये परम धाम की आत्म जो है, जो जिसको ये रस प्राप्त होगा मकसूद होगा वो इस पर बैठ करके वो मिनट में विचार कर लेगी, फिर के सबों ने यो कहा, फिर के अर्थात धर्म पंथ पेंडी जितने भी हिंदुओं में या मुसलमानों में जितने भी दुनिया में चल रहे हैं, ध्यान दो और तुलना करो, उन्होंने क्या कहा है? ए जो दुनिया चौदह तबाका, जो चौदह लोग पाताल से लेकर के वैकुंठ तक की सारी दुनिया है, चाहे वो यहाँ रहती है चाहे वैकुंठ में रहने वाले देवी देवता है, उन सब ने क्या कहा? ढूंढ ढूंढ के हम थके, सब ने ये कहा कि भाई हमने पूर्ण ब्रह्म को ढूंढा तो है पर वो मिले नहीं। हर एक ने अपनी अपनी अटकल से सो तो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंत्र, किसी ने निराकार, किसी ने साकार, किसी ने घटघट, किसी ने कण कण, किसी में पिंड ने, किसी ने कहा ब्रह्मांड में, किसी ने कहा जल में, किसी ने कहा थल में, किसी का एक निर्णय एक के साथ मिलता नहीं। इसका मतलब क्या है पता? फिर वो लोग हमें बुद्धू कैसे बना देते हैं, इसलिए सारी दुनिया बुद्धू बनी बैठी है। अरे परमात्मा तो एक ही है और रास्ते जुदा जुदा है तो क्या हो, क्या कोई बात नहीं, मंजिल तो सबकी एक है। सुनने वाले कहते थे हाँ 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 हाँ, बुद्धि बेच के जाती है ना वहां पे। ये बताओ इस चौराहे पे चार आदमियों को खड़ा कर दो और दिल्ली उन्होंने जाना, एक चला है पूर्व को, एक चला जाए पश्चिम को, एक उत्तर को, एक दक्षिण में, जैसे जैसे चलते जाएंगे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कि मंजिल एक हो जाएगी? वहां अकल नहीं होती कि कहने वाला हमें ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है? जब रास्ता
रास्ते जुड़े जुड़े हो गए तो मंजिल किस दिन एक होगी? फिर क्या बताया जाता है? अजी सारे धर्मों का गोल है, ये यूएसए की बात है, सबका गोल तो एक ही है और परमात्मा को पाने का, इस वास्ते सारे एक है। गोल समथिंग एल्स, डेस्टिनेशन समथिंग एल्स। लक्ष्य एक होना बात और है, लेकिन मंजिल तो सबकी एक है। मंजिल कहते हैं डेस्टिनेशन को, और गोल क्या कहते हैं? सबकी तमन्ना, सबकी ख्वाहिश, सबकी चाहना यही है कि हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए। पर परमात्मा का मुकाम कहां है? ये डेस्टिनेशन जो है, आज दिन तक क्या किसी दुनिया वालों ने बताई? क्या किसी के धर्म ने, किसी के गुरु ने, किसी के आचार्य ने, किसी के मुल्ला ने, किसी के पीर ने, किसी के फकीर ने बताया है? तो आके बताओ। सब धर्मों के जितने आचार्य, जितने गुरु, जितने पंथ बेरे, जितने संसार में महजब चल रहे, किसी ने ये नहीं कहा आके कि मैंने पार ब्रह्म को देखा है, मैं उनसे मिलके आया हूं और वो दुनिया में आने वाले हैं। किसी ने ये रास्ता आके मोहम्मद साहब के बिना, और वो मोहम्मद साहब कौन है? खुद ही प्राणनाथ जी। इस बात को अपनी जोश आवेश की शक्ति से अक्षर की आत्म के द्वारा कुरान में लिखवाया। ये दुनिया की शक्ति नहीं थी, इसीलिए स्वामी जी ने आके कहा, भाई मुझे पहचानना है तो चीनो मेरी तीन सूरत। जब तुम मेरी दो सूरतों को पहले नहीं पहचान पाओगे तो हकी सूरत मेरी पहचान तुम्हें कभी हो सकती ही नहीं। अब जिन्होंने मोहम्मद का नाम सुन के दुबक जाना है, वो क्या जाने मोहम्मद है तुम? उन्होंने तो मोहम्मद शब्द को मुसलमान बना के रख दिया। और मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? जिसकी महिमा, जिसकी उपमा, जिसकी साहिबी का वर्णन करने के लिए दुनिया का कोई शब्द लगे नहीं, शब्दों से बाहर हो, वो है मोहम्मद। ना कि वो शरीर को मोहम्मद कहा गया है। दुनिया वाले शरीरों को पकड़ के बैठते हैं, उनके शरीर का नाम मोहम्मद मुस्तफा बेग था और पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला था। पंडित जी के बेटे थे मुस्तफा बेग। कहां से अकल आके सोचोगे ये किस्सा क्या होगा? अंदर जो शक्ति आकर के बैठी है वो मोहम्मद है, और वही शक्ति वह देवतन जी के अंदर आके बैठी, लेकिन और हाई पावर से आके बैठी। पहली बार आए केवल यहूदियों को, जो लोग आग पानी पत्थर को पूजा करने वाले थे, अब उनको समझाने के लिए प्राइमरी कोर्स का ही तो ज्ञान लगते। क्या कहा? का कबूतर ये बढ़ाया। अब जब प्राइमरी कोर्स आ गई तो हक के सारे भेद खोले, तारतम ला करके सारी दुनिया जिस चीज को जुदा जुदा नहीं कर सकी, तारतम के द्वारा सारे भेद खोल के बता दिए कि कृष्ण अक्षरातीत नहीं है, नाम जरूर उनका था और वो कहां पर है? ब्रज और रास में बैठा है, आगे कृष्ण नहीं। और फिर पढ़ते भी थे आज हम गार श्री धाम अमे श्री कृष्ण ए फल सार तनो तारतम। ये तारतम का सार है कि इसने आके जुदा जुदा कर दिया। ये आई वो शक्ति, लेकिन अर्श को खजाना जो है चाबी तो आई तारतम से, अक्षातीत का वर्णन तो परमधाम का किया, लेकिन वहां की खिलवत, वहां की वैदत, वहां की हकीकत जो है, ये हक श्री राज्य की हक की सूरत के बिना कोई खोल नहीं सकता था। अब आए तो बशरी को भी अंदर और मलकी को भी अंदर, जबराइल और असराफील भी अंदर, और अब बन गए पूरन सुंदर साथ जी। बार बार ये त्रिकरण ऐसे क्यों खोले जा रहे हैं? आज सोच के बताओ, परम धाम के राजी श्यामा जी बड़े के प्राणनाथ बड़े? क्या ये सुख तुम्हें परम धाम में राजी दे सकते थे? एक ही तन में पांचों शक्तियां लेकर के अपनी लीला कर सकते थे? अब खोजो अपने पुराने भजनों को, काट के सीधे करो उन्हें। समय होता है, जैसे जैसे समय, स्वामी जी के इंद्रार्थी के आत्म ने पहले तारकुण क्या कहा? देवचंद जी सप्त छे। जब आगे बढ़े और ताकत अंदर आई तो कहने लगे काट दो इसको। क्या सप्त कह दिया? श्यामा जी वन सप्त। जब पन्ना जी में पहुंच गए, कह दे कृष्ण को हटा दो, निज नाम श्री जी क्यों ढा
सौंप दिया, ये धनी जाने मैं नहीं कुछ कह सकता। विचार करें आप कौन सा समय आ गया, कब तक इस दुनिया में डुबकियां लेते रहोगे। आखिरत का समय आ गया, बिल्कुल क्लियर कट पर्दे अब उठ के जा रहे हैं कि जो परमधाम की होगी सुनेगी, मकसूद उनको जब होएगा पता लगेगा अंदर तो करसी ए वो विचार करेंगे। दुनिया जब सुनेगी उन्होंने क्या विचार करना है, और वो सुनते सुनते ही क्या करने लग जाएंगे वो देखो सर। यहीं पर ही बैठे बैठे प्रातः काल में जो रोटी भी नहीं खाई, दलिद्रता का भी समझ नहीं, नहा धो के आए और कर क्या रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उनको कब प्राप्त होने वाला है विचार करो। इतना दर्द भी नहीं जिनको है, फिर वो चले मिलने प्राणनाथ जी को, पर पाया नहीं ध्यान के साथ। चौदह तबक के धर्म पंथ पेंडों ने खोजा, पर क्या किसी ने कहा कि मैंने परमात्मा को पाया, पर पाया नहीं अक किसी को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का पाना तो दरकिनार, अक्षर ब्रह्म के भी मुकाम का पता नहीं चला, तो उस पार ब्रह्म क्षति को कौन पा लेता। वेद कतेब पढ़ पढ़ थके, वेद कतेब पढ़ पढ़ थक गए, पर आज हम वेद के ज्ञाताओं के छोड़ने कैसे, अगर वेद को छोड़ देंगे तो फिर हमारी वैल्यू। इसलिए वेद ये है अहंकार के घोड़े, वेद और कतेब पढ़ने वाले। सामने कहते हैं वेद और कतेबों खोजा पर मिला नहीं, जब पता चल गया कि इन भूसों से कुछ मिलना नहीं तो फिर उनके पीछे पढ़ना क्या, नहीं बुद्धि कहां की है, यही मोर लगा दो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं, लग गई तोड़ के दिखाए। जिनको ये रास्ता मिल गया इतना क्लियर बात, ओ दुनिया वालों आज दिन तक जब से सृष्टि बनी सब धर्म पेंडे इसी रास्ते पे लगे ना भाई, परमात्मा का हम परमात्मा के दर्शन कराएंगे, हम परमात्मा मिला देंगे। स्वामी जी कहते हैं क्या किसी ने कहा कि हमने परमात्मा को देखा या किसी ने दिखाया। फिर स्वामी जी क्या कहते हैं कि वेद ने भी ढूंढा और अंजीर जमूर तुरेत ने भी ढूंढा, पर किसी ने कहा परमात्मा हमने देखा, अगर देख लिया होता तो वेद निराकार क्यों कहते। पर अब जब ज्ञान मिल गया फिर वेद को और मंत्रों को पढ़ पढ़ के 5000 मंत्र निकाल दिए, बड़ी तोप चला दी, अपना सत्यानाश कर दिया। अकल कब ठिकाने आएगी, भी ये जहर है वेदों के अंदर लिखा हुआ, ये जहर फैलाता है मानव के अंदर, ये जहर को निकालने वाला ये रस है जो हिंदू मुसलमानों की जड़ों में जिस दिन चला जाएगा कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, सब दुनिया में सी ये वाणी करेगी। अब जिन्होंने इस वाणी को तो अंदर जाने नहीं देना, जहर ही 24 घंटे फूंकना, ये मंत्र भी है, ये मंत्र भी है, एक जन्म नहीं करोड़ जन्म ले लेना, तारतम भी ले लेना, पत्थर के पत्थर रह जाओ। अक्षातीत कह रहे मेरी तरफ घूर घूर के ना देखना ही है तो प्यार से देख लो, ना प्यार हो तो देखो, ये मेरे प्राणनाथ की वाणी है, उनसे जाके लड़ो उनसे। और लड़ने से पहले ये बताओ जो वो पूछ रहे हैं कि भाई मेरे आने से पहले इतने ग्रंथ थे, इतने धर्म थे, इतने पंथ पेड़े थे, क्या किसी ने ये कहा कि मैंने पार ब्रह्म को देखा है, या किसी ने कहा कि मैं मिल के आया हूं। ये है स्वामी जी का आवाहन, है कोई तो लेके आओ सामने दुनिया के धर्म को, कह के थके इलामा, और कह के थके अपने इलम, ग्रंथ पे ग्रंथ, ग्रंथ पे ग्रंथ, ग्रंथ पे ग्रंथ। व्यास जी महाराज ने 18 ग्रंथ लिखे थे, रोता क्यों रह गया, वहां से अकल नहीं आई कि ग्रंथ बनाने से दुख पैदा होता है, जितने ग्रंथ लिखोगे उतना ही दुख जड़ और पैदा हो जाएगा। 17 ग्रंथ जब लिख दिए और भर क्या दिया उसमें, कर्म कांड, कर्म कांड। अब इतना कर्म कांड को जब लगा संशोधन करने, पढ़ा कि मैंने ऐसे मुसीबत लिख दी है तो रोने लगा खुद, व्यास जी खुद रोने लगे। अपने गुरु को बुलाया, प्रार्थना की है मेरे भगवान, है मेरे गुरुदेव आओ, तो कौन आया, नारद उनके गुरु। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी जाके नारद पंचांग में पढ़ो,
इतने बुरे शब्दों के साथ जो एक इंसान इंसान को गालियां नहीं दे सकता, नारद जी ने वो फटकारा कि वो कम वक्त व्यास तो दुनिया में ना पैदा होता तो अच्छा था। तो उन्हें ये जो ग्रंथ लिख दिए है कर्मों के, सारी दुनिया इसी में फंस जाएगी और कभी भाव से पार नहीं निकलेगी, ये व्यासड़े ने किया। ब्रह्म मुनि बने बैठे हैं व्यास जी। हाँ, कृष्ण प्रणामी उनको ब्रह्म मुनि का खिताब देने, लिखित प्रमाण मेरे पास है उनके इश्तेहारों के। और फिर जब चरणों में गिरा, कहने लगे अगर सुख लेना चाहता है, कुछ दिल को शांति करना चाहता है तो श्री कृष्ण के ग्रंथ लिख। तब भागवत लिखी, थोड़ी सी शांति हुई। अखंड रस को पाना चाहता था पर उसका पात्र था नहीं, वो भी ना रह सका। स्वामी जी कहते हैं ये सारे धर्म जितने हैं, कितना खुला आह्वान है। कोई दूसरे धर्म गुरु जो इस तरह से बात कर सके? कौन है जो ये कहे कि मैंने परमात्मा को देखा है? आज दिन तक कोई है जिसने ये बात आके कहूं? सबने खोज खोजा सही, पर किसी ने नहीं कहा कि हमने पार ब्रह्म को पाया है। कहा तीनों मुख अपने, किसी ने भी अपने मुख से नहीं कहा। ठोर कायम ना पाया हम, ठोर कायम ना पाया हम, कि हमको वही वो अखंड अनादि अक्षाती जो है वो हमें नहीं शुद्ध मिली, क्योंकि निराकार से आगे कोई जा ही नहीं सका। अखंड का वर्णन कैसे कर देता कि अखंड है क्या? मेहर करी मोहे महबूबे, ये है तो लो क्या होगा। मेहर करी मुझे महबूबे, मेरे महबूब ने मेरे पर मेहर करी। जब इतनी मेहर कर दी, एकदम सोचने लगे भाई मेरे ऊपर ही क्यों मेहर कर दी, मैं तो मेहर के पात्र नहीं था, क्यों मेहर मुझ पर भाई। ये थी दिल में शर्त। फिर दोनों में इसकी तुलना क्या है कि अगर तो मेहर भक्ति से होनी होती, भजन से होनी होती, पत्ते खा के होनी होती, सारी सारी रात बैठ के चितवनियों से करनी होती, वो तो किसी को हुई नहीं। क्योंकि शंकर भगवान जी पत्ते भी नहीं खाते, सारे हवा ही खाते रहते। कहीं तो पत्ते खा के चितवनी करना चाहते हैं, कोई नहीं होती। फिर सोचते हैं कि ना मुझ में भक्ति, ना शक्ति, ना मेरी बंदगी, ना मेरा इशक, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे पर क्यों हुई है? पर मैं जानी मौज, मेरे महबूब मेरे पर रिंच गए, उनको मैं पसंद आई, इसलिए उन्होंने मेरे पर मौज कर दी। अब स्वामी जी कहते हैं इंद्रारती के आत्म कहती है, सुंदर साहब जी ये ना सोचो कि मैंने भक्तियां कसनियां कोई की थी, ना कुछ नहीं किया, मेरे मौज महबूब की आ गई, वो मुझे मिले और सब कुछ लाके मेरे दिल में रख दिया। रू अल्लाह मिले मौज, रू अल्लाह मुझे मिले सबसे पहले। उन्होंने सारी बातें समझाई, सारे भेद बताए। सुंदर साहब जी बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोलने मोल, और हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। कितने प्यार से कह रहे मैंने कुछ किया ही नहीं। अब ये जब पढ़ लिया, हम सभी सोचते हैं भाई जब उन्होंने कुछ नहीं किया, महबूब मिल गए हैं, तो हमने भी तो कुछ नहीं किया, हमें महबूब मिल जाएंगे। उन्होंने जो कुछ किया क्या हम कर ले? है कोई? आओ ना। अब इतना जरूर हो गया, खुल्लम खुला छुट्टी नहीं मांग रहे सुंदर साहब, अब सिफारिशें डाल रहे हैं। रमन भाई जी जाना है, आप चल। अरे मन्नो भाई जी आप जा। क्यों भाई? फाटक खुला है, जिसों का चाहो सामान लेके चले जाओ। जितनी इतनी मार पड़ने के बाद भी जिनको घर विष से दृष्टि नहीं टूटी, और चाहते हो दिल को अर्श बनाना, वाह, दो आने की गाजर मुल्ली नहीं है, अर्श तुम्हारा दिल बैठ जाएगा। कल क्या सुना था कि जो आत्म धनी की है वो सुनते साथ क्या करेगा? पीठ देवे संसार। बस अपने आप को खुद देखो, अजान किस लिए बनते हो? कब तक अपने आप को बुद्धू बना करके बैठोगे? जब दिल में अभी माया है,
दिल में अभी संसार है, दिल में अभी लोक लाज है, तो समझ लो हम पूरे जीव हैं। और सपना ना लेना कि दिल अर्श हो जाए। और फिर आशक कभी माशूक से मिलके बताया करता है, तो इंद्रावती बता देगी कि जो है मुझे माशूक मेरे महबूब कैसे मिले। कहते हैं भाई मैं तो जानती हूं। पढ़ो और सुनो, क्या अपने महबूब के कोई सुख कहेगा दुनिया में, पर आत्म सम्मत होने के कारण से ब्रह्म सृष्टि को भी ऊपर के हवा से ही बता रहे हैं कि सुंदर साथ मेरे पर मेहर क्यों हुई, मेरे महबूब मुझे मिले। और सारी सुधि दुनिया वालों ने तो भक्तियां की, कसनियां की, योग साधनाएं की, ना जाने क्या कुछ किया। और शंकर भगवान तो बेचारे जब से दुनिया बनती है आखिरी दम तक तपस्या में ही बैठते हैं, पर इतना भी प्राप्त। स्वामी जी कहते हैं इंद्रावती की आत्म कहती है मैंने कुछ नहीं किया। बोलो इंद्रावती की आत्म ने किया कुछ भी नहीं किया? पोट जन्म लेके हम नहीं करते। सुंदर साथ जी विचार करो, उनको भी माया का तन मिला था, चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर एक शब्द के वास्ते सोचा भी नहीं, चीफ मिनिस्टर छोड़ रहा ये ले। उसके बाद क्या होता है प्यारा संसार में, पत्नी। और अभी जो कोई उनके सतगुरु महाराज जी ने नहीं कहा, गादी पर बैठे हुए बिहारी जी ने अर्चन डाली कि या कैसे सुंदर साथ में आना या फूल भाई को छोड़ो। अरे कल क्या होता है, अभी छोड़ो, आओ आओ ना, उम्र भर के लिए नहीं, तुम्हें तो 30 ही दिन के लिए कहा था, 15 दिन लेट आए, 7 दिन रहे, अब भी हवा होना चाहते, पीछे रोटी की चिंता है। और तू मर गई तो फिर पीछे तो शायद वो मरी जाएंगे भूखे, पर अंदर घाव किसका लगा हुआ है, पीछे वाले का। धनी का इतना घाव नहीं, ढोंग रचते हैं, अरे क्यों कुहर करते हो, छोड़ दो राजी खुशी से प्राणनाथ जी को, अच्छे रहोगे, हनुमान के भक्त बन जाओगे, मौजे करोगे, कहे को मुसीबत गले लेते हो। प्राणनाथ लिया इल्लत जिल्लत और किल्लत, क्यों नहीं छोड़ते इसे, क्यों मेरे प्राणनाथ के पीछे पड़े हो, जाओ हनुमान के पीछे जाओ, दुनिया के मौके लूटो, पतियों की सेवा करो, उनको रोटी गूंद गूंद के दो, हाँ तुम्हें भाव से पार करेंगे, सीधा नरक में पकड़ के तुझे भी ले जाएंगे, जब करो सेवा। इतना सुन रहे हो ना, मकसूद हो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं दिल के अंदर विचार बैठ रहा, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि नहीं। सीधा रिजल्ट है, धोखे न रखो अपने आप को, कह के समय वेस्ट ना करो, इतने में और कोई भगवान रीझ जाएगा, कम से कम रोटी का कोठी तो दे देगा, ये भी ना क्या होना है तुम्हारा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना मसाले सलम, भाई या दीन लो या दुनिया, दोनों पाइये ना एक थोड़ा, तो बिल्कुल सीधा रास्ता खुल गया भाई, अब संकोच वाली बात नहीं है, या इधर हो जाओ या इधर आ। और जो दो नाव के बीच रहते हैं समुद्र में डूबो नहीं, छोड़ दो प्राणनाथ को, जब नहीं निपटा प्राणनाथ तो जरूर गले में पत्थर बांधने के, जब पता है कि हमारे से दुनिया में रह के प्राणनाथ से नहीं निपटी, छोड़ दो बाइकाट कर दो, ले भाई प्राणनाथ तो अपने घर सुखी, हम हनुमान जी बजरंग बली जय राम की बोलो, सिया राम के आनंद ही आनंद मंगल करें, जरूरत क्या कठिनाइयां, क्यों चिंता लगे गले में, बैठे यहां पे चिंता जयपुर घूम रही, जरूरत क्या यहां बैठने, जरूरत क्या है, लगनी किनको है जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी अब देखो दुनिया के सारे धर्मों को, पंथ पैनों को देखो, उनके गुरुओं को देखो, उनको आचार्यों को देखो, उनको देवताओं को देखो, तीर्थंकर अवतारों को देखो, क्या किसी ने कहा कि मैं परमात्मा से मिला हूं। पर सुंदर साहब जी इंद्रावती कहते हैं भाई मैंने कोई तपस्या नहीं की थी, मेरी कुछ बंदगी नहीं थी, मुझ में ना कछु बंदगी ना कछु करी करनी, मेरे महबूब मिले और उन्होंने आके मुझे अंगना जान करके और सब कुछ मुझे बख्शिश कर दिया। इससे पहले मुझे श्यामा महारानी वो आकर के मिले थे, उन्होंने मेरा बाजू जामनगर में मैं ठाकुर परिवार में थी और उसके निकाल करके चरणों में लिया, खोल दिए पट आशक, खोल दिए पट, रास्ता बता दिया, पर महबूब से मिला नहीं सकी। उन्होंने मुझे क्या किया, रास्ता बता दिया,
सारे पट जो थे उलझने जो थी सारे खोल करके बता दिए। नजर तो मेरी जाने लगी पर मुझे महबूब नहीं मिले। फिर जब उनका तन छूटा महबूब आके साक्षात मुझे मिले। जो बक्का ठौर थी जो बक्का ठौर थी कुछ अर्थात अक्षातीत तो उत्तम पुरुष जो गुज लिखा हुआ था गीता में कि उत्तम पुरुष से तो अन्याय। और भागवत में लिखा था श्री कृष्ण अनादि अक्षाती थे। ये गुज के भेद को नहीं खोल के बता रहा था ना भागवत में ना गीता में ना वेद में ना शास्त्र में ना पुराण में ना पुराण संहिता किसी ग्रंथ में नहीं था। खोल ले श्यामा महारानी जी ने किसके द्वारा चाबी जो तारतम ज्ञान लेकर के आए थे। तारतम ने पट खोल के जाहिर कर दिया अक्षर 14 लोक और अक्षर योग माया का ब्रह्मांड और अक्षरा तीत परम धाम 25 पक्ष। ये तारतम ने सारे पट जो पर्दे थे रास्ते में द्वार बंद पड़े थे खोल करके यहां से सीधा परम धाम का रास्ता बता दिया जो आए दिन तक कोई गुरु नहीं कह सका। इतना जरूर कह दिया अक्षर से परे अक्षर से पारा तह पुरुष का करो विचारा। वो पुरुष कौन है? गुरु नानक देव जी बने पता ही नहीं। जब पता होता तो बताते कि पार पुरुष कौन है। इतना जरूर कह दिया वो जो पुरुष एक है एको पुरुषा सभ्य नार बाकी सब माया है वही परमात्मा ने। इतना गुरु नानक देव जी ने कबीर पंथ के हिसाब से आगे का रास्ता खोल दिया। पर परम धाम की बातें वो भी नहीं खोल सके क्योंकि कबीर जी नहीं खोल सके। गुरु नानक देव जी कबीर पंथी थे इसलिए इतना ऊंचा ज्ञान उन्होंने सब कुछ कह दिया जो कबीर जी कहा करते थे। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर कहे तक कबीर सुनो भाई साधो वह घर मुझसे दूर। इसी तरह से जो है अब उनके अनुयायी जो है अक्षर तक का तो वर्णन करते हैं अक्षातीत का भेद कोई नहीं खोल सका। स्वामी जी कहते हैं भाई सुंदर शाह जी या दुनिया वालों मैंने तो कुछ बंदगी तपस्या कुछ भी नहीं किया पर मेरे अंदर जो आत्म थी और उसका जो मालिक पूर्ण ब्रह्म है वो कभी भी उससे जुदा हो नहीं सकता। अब ये सुन के हम जो बाकी मेरे जैसे भी बैठे होते हैं सोचते फिर हमारे से भी तो राजी जुदा नहीं हो सकते। हाँ उस दिन राजी तुम्हारे से जुदा नहीं हो सकेंगे जिस दिन तुम माया से जुदा हो जाओ। किस दिन हमारा दिल अर्श हो जाएगा? जिस दिन हम माया से अलग इधर आ जाओ राजी तुम्हारे दिल में बैठे। तुम चाहो के दुनिया के भी सुखों में झूले झूले राज्य की भी अंगना बने रहे प्रेम मक्कार पना अब नहीं चलेगा। गया बचा जो बीच के तुम लटकन दान हो करके दुनिया के भी चौधरी बने रहे और इधर भी रूठते रहे। स्वामी जी कहते अब मेरे नाम पर तुम झूठे सिक्के दुनिया के ना कमा सकोगे। अब खरा सौदा खरे में काम आएगा झूठा झूठे में आना है। दुनिया लेनी है जाओ छोड़ दो पुराना जी को कौन कहता है। चिंता ना करो ऐसे नहीं तुम्हें छोड़ के जाए अखंड कर देंगे आराम से विश्व में बैठे रहना। परम धाम के लायक हो तो अपने आप को खुद देखो हम कर क्या रहे हैं। इतनी वाणी तो भी जब तक बेसुध थे तब तक तो ठीक है उन्होंने आते ही माफ कर दिया। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो जाओ जब लग भूली नींद में जब तब तक मैंने माफ कर दिया है कोई माफ करने वाला। लाओ कृष्ण को विष्ण को ईशन को ट्रिशन को सारे क्या कहते हैं परित्रवणाम साधुनाम और दुष्ट आए विनाश आए तो दुष्कृतम दुष्टों का नाश करूंगा मेरा प्राणनाथ कहता नहीं मैं सबको माफ करूंगा है कोई। ये है उसकी तारीफ कि वो जब आएगा तो अल रहमान अल रहीम होगा दयालु कृपालु होगा। चिंता ना करो तुम्हें माफ कर देगा आठवीं महिष्ट में बिठा देगा खंड हो जाओगे। सपने छोड़ दो कि रंग माहौल में है मेरी परातम बैठी है झूलों में हम झूलते हैं ये करते हैं दिल को तसल्लियां दे लो मिलने आठवीं महिष्ट तुम्हें वो भी उनकी कृपा है। आगे का सोचो ही नहीं क्यों अपने अंदर झांको मेरे पास कमाई कितनी है। तुम्हारे पास जब खतौली से आगे मंसूरी तक की टिकट नहीं कैसे चले जाओगे तुम। हाँ जाना बंबई चाहते और गाजियाबाद की टिकट ले लिया हम बंबई जा रहे हैं बंबई के डिब्बे में बैठे कान पकड़ करके गाजियाबाद उतार दिया पहले देखो सही टिकट कहां की
जब ढाई आने की टिकट माया की लेकर के बैठे हो, हाँ कह सकते हो हम भी प्राणनाथ जी की गाड़ी में बैठे हैं, पर उतार कहाँ जाओगे? अगले स्टेशन आठवीं बिश्तानी है यहाँ से। पहला यहाँ से जब इंजन चलना है तो पहला हॉल्ट स्टेशन कहाँ है? आठवीं बिश्तानी। पड़े ना उतार नहीं कर वहां नहीं, ब्लैक मार्केट होगी। टीटी आते ही पहले देखता है इसके पास टिकट नहीं है, शक्ल से ही पहुंच जाता है। अपनी अपनी शक्लें खुद देखो ना, क्या तुम अंदर नहीं जानते हो कि हमें प्राणनाथ का कितना दर्द है और माया का कितना दर्द है? विचार। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे को भी ये मत सोचना कि मैंने कोई बंदगी की थी, कोई भक्ति की थी, ना मुझे मेहर मैं भू बेहतरी। और श्यामा जी ने पट सारे जब खोल दिए, इलम दिया मोहे लद्दुनी, और इलम कौन सा दिया? खुदाई इलम दिया। इलम लद्दुनी को खुदाई इलम कहते हैं, जो धनी साक्षात अपने मुखारविंद से कहते हैं, आई असल अकाल, आई असल अकल आ गई, ये झूठ की अकल छूट गई। अब पता चल गया कि जिनको मैंने समझा है मेरे पति है, मेरी पत्नी है, इसके पर्दे खुल गए कि ये जालम काले बिच्छू चिपटे हुए हैं, ये गला गल मच्छ है लगे हुए हैं मेरे गले को खाने के लिए, किस दिन मेरे गले को छोड़ देंगे? बस गोपाल नाम साथ निकालो, जिनके बड़े प्यार आ रहे हैं ना, रात को चरण दबा के सुनाते हैं, बड़े बड़े मीठे पकवान खिलाते हैं, पंखा चलाते हैं, बिजली फेर हो गई है, वही शरीर होता है। ओ अंधे इंसान आंखें खोल, वही तेरा शरीर होगा, हवा निकल जाएगी, पटक दे दिया जाता ले, चादर भी कोई नहीं बिछाएगा, चादर भी कोई नहीं बिछाते, फिर भी अंधे हिंदुओं की आंखें खुलती नहीं कि यार शरीर वही होता है। कितनी बेहमी से तले पटक देते हैं, गद्दा खींच लो 400 रुपए का गद्दा आता है, मर तो गया ही है, खोल लो खोल लो, और फिर क्यों नहीं तो पंखे जलाता, फिर क्यों नहीं सोचते भी रात का भूखा पड़ा है कुछ तो खिला दें इनको, आंखें नहीं खुलती, फिर भी विचार नहीं आता, तो फिर रोना अपने कर्मों को बैठ के। जब झूठे बुतों की पूजा में लगे हो असल धनी को छोड़ करके, तो फिर हशर क्या होना है? सरग से नजीक, इतना नजीक राजी महाराज ने मुझे परम धाम कर दिया, इतना नजीक मूल मिलावा कर दिया। सहरग ये होती है सांस वाली नास, ये नस चलती है ना, यहाँ देखो टिक 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 गर्दन पे कर रही होती है, इसको सहरग कहा है। क्या मतलब? इसको दबाओ तो मौत कितनी दूर है, इसका मतलब क्या है? सहरग का क्यों नाम लिया? ये रग वाली सांस वाली रग है, सारा रग सांस वाली नस, इसके ऊपर रखो हाथ क्यों कर दो, अभी मर जाओगे। स्वामी जी कहते हैं इससे ये तो इतना देर लगती है ना, मुझे राज्य महाराज ने परमधाम ऐसे नजीक कर दिया कि इधर देखते हो तो मूल मिलावा नजर आता है, इतना निकट आके राज्य महाराज ने मुझे परमधाम और मेरी परातम अर्श दिखा दिया है। पाया अर्श असाला, पाया अर्श, और पहले कौन सा अर्श ले बैठे थे? नकल वैकुंठ वाला, और कौन सा अर्श ले बैठे थे? गोकुल ब्रिज वाला, कि यही अर्श है ना, ये नकल है, ये वहां उन्होंने लीला करके अखंड किया था। असल अर्श दिव्य ब्रह्मपुर धाम अक्षर से आगे, यमुना जी से आगे, सात घाट से, चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़ के, 28 थम के चौक से आगे, 4 हवेलियां छोड़ के, 5वीं में महबूब बैठे, वो असल मुकाम पा लिया। और मेरे मोहम्मद की, और मेरे अब ध्यान के साथ, अब यहाँ मोहम्मद की कांटी एड़ी पड़ी, अब यहाँ कौन मोहम्मद? वो मोहम्मद आएगा यहाँ तारतम लेने के बाद, अरे वो मोहम्मद बाबा बशरी ताकत थी, अब यहाँ मोहम्मद कौन? तब मिला जब दिल्ली से अनूप शहर चले, वो मोहम्मद आ गया। खुद श्री राज्य महाराज हक्की सूरत जी थी, इंद्राती कह रही है, मेरे अंदर आकर के बैठ गई, और तब मैं क्या बन गई? मुझे उन्होंने कहा तो इंद्राती नहीं रहेगी, तू मेरे नाम से जाहिर भर कर थापी मुझे हक, खुद उन्होंने मुझे कहा कि तू खुदा है, तू पूर्ण ब्रह्म है, तू ही अल्लाह ताला है, ले मेरी मोहर, और फिर क्या किया? मुझे नाम अपना दे दिया, मेरा नाम हटा दिया, मैं थी इंद्रावती, पहले महामती बना दिया। कहते नहीं ये भी ठीक नहीं, अब तू कौन है? प्राण,
मुझे श्रृंगार भी अपना दे दिया, मुझे स्वरूप भी अपना दे दिया, मुझे सब कुछ अपना कर दिया, नाम मेरा जरूर रह गया, मुझे नाम बख्श दिया कि तू अब ना महामति है और ना तू मेरा ठाकर है, अब तू प्राणनाथ है और इस नाम से तू जाहिर हो खुली हकीकत और हकीकत खुली। पता चल गया कि जिस परमात्मा को निराकार कहते थे, कोई काल पुरुष कहता था, कोई घटघट में कहता था, कोई पिंडे सो ब्रह्मंडे कहता था, पता चल गया कि नहीं, ये सब का महापरले में नाश होना है, ये झूठा अर्श है, वो अखंड अर्श परम धाम और वो धनी की खिलवत हकीकत का सब पता चल गया। पाई सायदी दूसरी सायदी अब गुआई कौन सी, कुरान की, अब कुरान का जो है आएगा दूसरी शायदी, एक शायदी किसकी कुरान से और दूसरी शायदी भागवत से, ये दोनों ने शायदियां दी गवाहियां दी हक की मार्फत, हक की मार्फत दूसरी और शायदी मिली भाई इशारते रमुजे, भाई इशारते रमुजे कहां से, कुरान से इशारते रमुजे तो मिली लेकिन हकीकत जो है पता नहीं चलता था, इसलिए अब खुद उन्होंने अंदर बैठ के सारी हकीकत और मार्फत के मगज मायने, बीज होता है ना खरबूजे का कद्दू का, उनके ऊपर छिलका लपेटा रहता है, अब छिलके को तो पाया जा रहा है मेरे पास तो मगज है, देखिए मेरे पास चारों मगज हैं, खाओ क्या खाओगे छिलका, अब उन्होंने आके छिलके उतार दिए, अलफ लाम मीम के ऊपर जो छिलका था उतार दिया और क्या कहा, अल्लाह कहा मोहम्मद को रू अल्लाह सलाम, मीम कहा पाक मेहंदी को, तीनों मिल भय प्राणनाथ, ये है तीनों शक्ति अंदर आके पूर्ण बैठ गई, नहीं तो मुसलमान काजीगर यार समझ तो आती नहीं, इसको मिठाई डालो ना, कईयों ने कुरान में से जो कईयों ने है ना तिरान चापा उसमें से अल्लाह मीम ही उड़ा दिया, क्योंकि मुसीबत क्या है कि साफ मोहम्मद साहब ने लिख दिया कि इसके मैंने अल्लाह ताला के बिना कोई खोल ही नहीं सके, इसी तरह जो है अथर्ववेद और भागवत के अंदर क्यों व्यासी ने कह दिया राजा प्रेक्षक ये मैं नहीं बता सकता, कलयुग में स्वयं अक्षातीत तारतम ज्ञान जब लेकर के आएगा तब पता चलेगा वृंदावन कहाँ है, अब अक्षातीत प्राणनाथ आए और क्या बताया, है दुनिया वालों ये मथुरा वृंदावन नहीं है, ए स्वरूप ने ए वृंदावन ए जमुना तट सार घर से तीत और विमान से, तो जब घर से तीत है तो कृष्ण तो उसमें है, तो परम धाम में कृष्ण कहां से आ जाएगा, समझो सोचो जड़ से निकाल के कृष्ण को अब बाहर रख दो, गंगा भेज दो जा भैया वहां तेरा नहीं धाम बना, भाई नहीं बैठा रहे प्राणनाथ को ले आओ, अगर कुछ हकदार परम धाम का राज्य के चरणों में अपना मुंह ऊंचा दिखाना चाहते, ये पट आके स्वयं बता दिए कि भाई मैं आया था कृष्ण नाम के अंदर बैठ के मैंने लीला जरूर की थी, दुनिया ने मुझे क्यों नहीं पहचाना, दुनिया तो क्या पहचानती, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं पहचान सकी क्योंकि हमारे पास जागृत बुद्ध थी नहीं, इसलिए उनको पर पुरुष कह दिया, ने लज्ज कह दिया, बेशर्म कह दिया, बेहया कह दिया, और अब क्या आई है, निज बुद्ध ही तो आई है जिससे हम पहचान रहे हमारा धनी हमारा प्राणनाथ हमारा धाम का दुल्हा है, वही अक्षातीत है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही अल्लाह ताला है और वही सुप्रीम ट्रुथ गार्ड है, भाषा के भेद हैं विचार अल्लाह कलाम, ये अब कुरान के सारे बात ले के जो इशारते रमजे लिखी हुई थी कुरान के अंदर और उसका ताला बंद कर दिया था के भाई भले कुछ भी है मैं अपनी जुबान से भी मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं बोल सकता, ये बंद है मेरे को हुक्म ही नहीं है, इसको जो आके खोलेगा ऐ मुसलमानों तो उस वक्त उनके वजूद को ना देखना, जो इसके मायने खोलेगा वो खुद अल्लाह, ये ताला बंद। और महामती जी कहते हैं कि ये जो दूसरी इशारत और रमज़े लिखी पड़ी थी वो मैंने जब कुरान से देखा शक जरा ना रही, शक जरा ना रही, जो प्राणनाथ जी के साथ थे उनको कुरान पे शक है तो परले दर्जे में बैठ जाओ, गया खुद प्राणनाथ ही बाबा कुरान में आके बातें लिखवाई, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, ओ देखो अरवाहे अश्की तुम जाना जिन भूल, तुम ना भूल जाना
हिंदू मुझे मोहम्मद बाद मोहम्मद कह के नफरत से देखते रहेंगे, इसीलिए मैं वहां आया था ताकि हिंदू अपने कर्मकांड में लोटे में झोटे में पड़ते रहे, जनेऊ ही धोते रह जाए, नहाएंगे ना जनेऊ को जरूर रगड़ पट्टी करेंगे। कितने कितने सुंदर साथ विचार करो, राज्य के एहसान गाने के लिए क्या जुबान पीछ है, कितने नरकों से निकाला, कितने कर्मकांडों से निकाला और निकाल के एकदम पवित्र पा करके हथेली पे ले रखा है अपनी रूह को, और हम हैं कमबख्त की रोटी का आना ना ऐसे सुंदर साथ इस आश्रम में मत आना, गद्दियों पे जाओ बाबा बख्श दो, जिनकी जान पीछे अड़े वो यहाँ ना आए, हमें दुखी ना करो। हम 50 बैठेंगे ना, हमें 6,000 नहीं चाहिए, जब हम कह रहे हैं क्यों दुखी करते, जब तुम्हारा ये सौदा नहीं तुमने रोड़े कंकर ही खाने माया के, वही रहो मत दुखी करो, ताकि हमें भी पता चल जाए हम कितने। तो चिंता ना करो, जंगल में शेर एक का और उनके तो 12,000 है, घबराओ ना, तुम रोड़े कंकर पीछे हट रहा था, दुखी ना करो। अरे इतनी वाणी खोलने के बाद इतनी छींक नहीं लग रही अभी भी, कलेजे के टुकड़े नहीं हो जाते कि हमारे पर कौन से मेहनत, जो आज दिन तक देवी देवताओं को सुध नहीं हुई, पैगंबर गुरुओं तीर्थंकरों को ये चीज नहीं मिली, और वो कह रहे हैं कि महबूब हमारे ने और सतगुरु श्यामल महाराज जी ने मेहर करके सन्मंद निस्वत परमधाम की होने की वजह से सारे पट खोल दिए, और हिंदू तन में जो कुरान का कोई नाम नहीं खोल सकता, जब मुझे सारे इशारे बुझ मिल गई तो पता चल गया कि ये तो हमारे ही घर की सारी बात है। अब दावा है ना, ये बैठे हैं यूसुफ साहब जाते क्यों नहीं मक्के मदीने, लेके आए उनको आके बातें करें कि कुरान हमारा है कि मुसलमानों का है, कुरान है ही हमारा, वेदों के अंदर प्रमाण हमारे हैं, गीता हमारी है, भागवत हमारी है, ग्रंथ साहब हमारा है सिखों का नहीं, केवल वो सिख बनने की खातर उसको मत्था टेक के हाथ झुलाते रहे, उनको पता ही क्या है कि क्या लिखा है, खसम पहचाने देश आवाज ना पहचाने वो कमजात, तो किस सिख ने जो है खसम को पहचान लिया, हम जानते हैं हमारा खसम कौन है, सिख हम है पर जुड़े वाले नहीं आत्म से, वो संसार के शरीरों के रूप रूप बना करके अपने धर्मों के पहचान बनाने वाले वहां नहीं, हम आत्म से बताते हैं कि गुरु नानक देव जी ने हमारे लिए क्या लिखा है, नानक धन सुहागिनिया जिंदा साहेब नाल प्यार, कौन वो साहेब है और कौन उसका प्यार है और कौन वो सुहागिनिया है वो हम जानते हैं, इसलिए ग्रंथ साहब हमारा हमारे लिए आया था, हमारे लिए गुरु नानक देव जी ने आके प्रमाण लिखा था कि भाई दुनिया भूल ना जाए कि वृंदावन ये है, नहीं वो वृंदावन वो है, पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रमन किया, ले नीले कपड़े वस्त्र पहने तुर्क पठानी अमल किया। स्वाम जी कहते हैं अब वो इशारते रमजे जब मैंने कुरान के अंदर पाई तो सारी हकीकत का पता चल गया, पाया कायम आराम, क्या मिल गया कुरान की इशारतों से जब पता चल गया तो मुझे क्या मिल गया, पाया कायम और तसल्ली हो गई, क्या सारे संसार को एक पार ब्रह्म की पहचान कराना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हिंदू आएंगे तो हिंदुओं को हिंदुओं की तरह से, उनको गीता से, उनको भागवत से, उनको रामायण से, उनको शास्त्रों से, उनको पुराणों से और उनको पुराण संहिता से, उनको महेश्वर तंत्र से बता देंगे कि परमात्मा प्राणनाथ अक्षातीत सच्चिदानंद के बिना और कोई नहीं है, और मुसलमान आ जाएंगे तो कुरान से उनको बता देंगे कि पढ़ो इसको 11वीं सदी में अल्लाह ताला आना है कि नहीं आना, अगर तुम उनके अंदर हो तो बताओ आज अल्लाह ताला कहां, कोई भी जो है ये प्रश्नों का जवाब मुसलमान नहीं दे सकता, इसलिए कायम आराम हो गया कि भले कोई हमारी आत्म किसी तन में होगी, भले सिख तन में है, भले कोई हिंदू के तन में है या मुसलमान के तन में है या कोई क्रिश्चियन के तन में है, ये झगड़े सारे शरीरों के है, आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है, आत्मा जो है धर्म पंथ पैंडों से परे है, तो फिर वजूद के चक्रों में वो इंसान तो क्यों पड़ा हुआ है,
Guys, I'm